भारत की सबसे पॉपुलर सिंगर लता मंगेशकर का रविवार 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। लता के निधन से अभी तक संगीत प्रेमी शोक में हैं। लता मंगेशकर के निधन के बाद महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना ने शिवाजी पार्क में दिग्गज गायिका के नाम का एक स्मारक बनाए जाने की सलाह दी थी। इस मुद्दे पर अब लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने अपने विचार पेश किए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हृदयनाथ मंगेशकर ने कहा है कि पहले आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने लता मंगेशकर की याद में एक म्यूजिकल इंस्टीट्यूट बनाने की सलाह दी थी, जिस पर उन्होंने सहमति जता दी थी। हृदयनाथ मंगेशकर ने कहा कि वह चाहते हैं कि लता मंगेशकर की याद में उनकी संगीत की प्रतिभा को विरासत के तौर पर जिंदा रखा जाए। उन्होंने कहा कि अगर वे उनकी विरासत को जिंदा रखना चाहते हैं तो स्मारक के बजाय एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट की स्थापना करें। बता दें कि लगभग 36 भारतीय भाषाओं में हजारों गाने रिकॉर्ड करने वाली लता मंगेशकर को भारत की सबसे सफल गायिका माना जाता है। साल 2001 में भारत सरकार ने लता मंगेशकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी एंटरटेनमेंट।